अच्छा ट्यूसडे कॉलेज में छुट्टी है ना तुम लोग को 15 अगस्त, तो इज इट ओके इफ आई कीप योर लेक्चर एट 1:30 to 3? सबको चलेगा? प्रॉब्लम है किसी को? देखो जिसको प्रॉब्लम है ना वो लोग 9 बजे वाले बैच में आ सकते हैं, ठीक है? 9 o'clock वाले बैच में आ जाओ, किसको प्रॉब्लम है तो 9 बजे आ जाओ। कौन सा टूर्नामेंट? 15 अगस्त। बाकी किसी को 1:30 से प्रॉब्लम है सो भी क्या, आराम से अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चेक और कैश का गोंदड़ गोंदड़ करवाने वाला हूँ, डिसऑनर डिसऑनर, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन ट्यूसडे, फ्लैग वॉशिंग सब करके आना, ओके? एकदम चकाचक झंडा वंडा ले जाके झंडा लगा के आना। फूड इवन एब्सेंट 1:30 इट इज ऑन ट्यूसडे योर बैच। तकलीफ है किसी को? कोई दूसरा बैच में आने वाला रहेगा तो मेरे को मैसेज करके आओ, ठीक है? अदरवाइज और बैचेस 1:30। चलो करो डिस्कस एंट्री। कल का टेस्ट 8 o'clock क्या? 8 o'clock कल, और कल पार्टी भी है, वड़ा पाव पार्टी है, और कोई लोग एबसेंट है अगर बार बार जा रहा है तो अपना फ्रेंड लोग कल बोल के जाना मेरा खा लेना, ऐसा वेस्ट ना हो, ओके? एक जन चार जन लोग बोलना, एक जन एक कोई बोलना, वन वड़ा पाव पर पर्सन, तो बोल के जाओ किसी को। 8 o'clock तेरा बैच पता नहीं तू किसका है, 1 में कि 2 में? टेस्ट ग्रुप 1 में है ना, 8 o'clock डाला है यार, ग्रुप तो देख, व्हाट्सएप तो देख, तू बोल अबे पूरा दिन स्नैपचैट इंस्टाग्राम चलो करता हूँ डिस्कस। हाँ जैन वड़ा पाव मिलेगा, जैन का रहेगा, जैन वड़ा पाव रहेगा, जैन सुबह ना मैं ऑर्डर देने से पहले आज थोड़ी मंगा के लूंगा, बासी थोड़ी आ जाता है। चलो चेक करो, हो गया सबका?
चलो चेक करो फटाफट। ये आया वो राक्षस आया चलो चेक चेक फास्ट ओपनिंग एंट्री को किया अभी फोर्थ वाला चेक करो परचेज शेयर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड 10,000 पेड 100 रुपीज ब्रोकरेज एंट्री इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक 10,100 इज दैट राइट। अभी सुनो एनएम वाले में थोड़ा बुजली करेगा तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड टू बैंक ओके ओनली एनएम स्पेसिफिक नॉट इवन बीटी बैंक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड टू बैंक यूनिट टेस्ट अलग है ना उधर चटनी बनाया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक 10,100 सिक्स वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हाट विल यू ग्रॉस प्राइस क्या पहले क्या करोगे टीडी 10% 3,000 27 प्लस 9% बोर्ड पे देखो गाइस डोंट टॉक ये कितना आ रहा है टोटल 4 8 6 हाउ मेनी पार्ट्स 3 वन थर्ड कैश वन थर्ड चेक मतलब बैंक एंड वन थर्ड क्रेडिट 10620 CD 5% but will you take it on 10620 no इसका तीन पार्ट 9999 5% 450 एंट्री सुनो ध्यान से कैश अकाउंट डेबिट 10170 बैंक अकाउंट डेबिट 10170 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 900 450 प्लस 450 900 दो है ना सीडी दो सीडी है राक्षस में दो आता है दो पार्टीशन है कैश और बैंक कैश अकाउंट डेबिट 10170 बैंक अकाउंट डेबिट 10170 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 900 सुनीता डेबिट 10620 टू सेल्स 27,000 टू आउटपुट आउटपुट 2430 आया ये कुछ से आया उसको समझ ही देन पेड हाउस रेंट एंड टेलीफोन बिल ऑफ प्रोपराइटर हाउस ड्रॉइंग्स टू 1500 सीधा साथ में गुड्स वाज बोथ ऑफ डिस्ट्रॉयड बाय इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 3,000 लॉस बाय फायर इंश्योरेंस क्लेम टू परचेज या फिर गुड्स लॉस बाय फायर आया लॉस में 1,000 क्लेम 3 एंड गुड्स लॉस में 4 लग रहा विमान 1, 3 and 4 लॉस में 1 क्लेम में 3 परचेज में 4 पर्सनल इनकम टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स हो गया इनकम टैक्स पर्सनल ही है ड्रॉइंग्स टू बैंक 5,000 ऑफिस फर्नीचर जीएसटी भी है कैरेट भी है मुझे बता जीएसटी किस पे लोगे फर्नीचर इनपुट इनपुट टू कैश
लेकिन फर्नीचर में आएगा 20,200, इनपुट इनपुट आएगा 33 is for homework. मेरे को 33 का है ना 14th वाला देखो 14 परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण 30,000 10% TD मिला पेड 1/3 आफ्टर गेटिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 5% GST TD भी है GST भी है CD भी और पार्टली कैश लेकिन इधर तीन टुकड़ा था ना उधर खाली दो टुकड़ा है समझ में आया easier than this पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट है इधर तीन टुकड़ा था ना उसमें दो टुकड़ा हाफ और हाफ दो पार्ट आधा कैश आधा क्रेडिट इसके जैसा ही है प्री जीएसटी वैल्यू में सीडी लेने का मस्ती मत कर समझा इसके जैसा ही है खाली प्री जीएसटी में सीडी लेने का अभी सुनो उसी का 20th आपने किया हुआ है रिसीव कैश गिफ्ट ऑफ 10,000 फ्रॉम फादर इन लॉ विद विच ही परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैपिटल की बैंक वाई पर्सनल पैसे से लिया तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैपिटल आया एंड 24 पेमेंट ऑफ बैंक लोन विथ इंटरेस्ट इसमें 6,000 प्लस 1,500 है कि 4,500 प्लस दिखा 24 देखो जरा पेड लोन विथ इंटरेस्ट 6,000 प्लस 1,500 कि 4,500 प्लस 1,500 अच्छा लोन चुकाने का क्या एंट्री लोन लेने का क्या एंट्री कैश को लोन को चुकाने का क्या लोन टू कैश और इंटरेस्ट पे करने का क्या खाली इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कंबाइन क्या होएगा लोन कैश या बैंक व्हाटएवर बैंक लोन है तो क्या लिखोगे बैंक तो बैंक लोन डेबिट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट टू बैंक विश्वा को बहुत गाई है तो फाइन भरने का एक तो लेट आया तो सुनो रोज मैसेज करेंगे लेट आया विशाल से नहीं वो डिसाइड करना 29th वन अमाउंट ड्यू फॉर एडवर्टाइजमेंट इज इट पेड और ड्यू मतलब देना तो भाई क्या नो आउटस्टैंडिंग तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट सॉरी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश की आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइज आउटस्टैंडिंग याद है इंटरेस्ट भी ऑन हफ्ते लोन किया था तो एक्सपेंस डेबिट लेकिन पैसा गया कि नहीं सो एडवर्टाइजमेंट टू आउटस्टैंडिंग इसको स्टार मार्क करो इसका एक्सप्लेनेशन आई गिव इट इन द नेक्स्ट डे इतना होमवर्क करके आना पूरा 33 एक मिनट 33 होमवर्क है एक कौन सा आएगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का 200 आएगा